Very good afternoon, sir, and my dear students. Today we are going to present a webinar on the method of and inviting with few words. Hello. Sir, am I audible? मैडम स्टार्ट करा दीजिए, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, अब स्टार्ट करा दीजिए। तो बीच बीच में दिक्कत हो रही है। अब स्टार्ट करा दीजिए। कानू प्रिया, यस मैम, प्लीज स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन बेटा। ठीक है मैम। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ, क्लियरली। गुड आफ्टरनून टू ऑल डिग्निटरीज, डायरेक्टर सर, ऑल फैकल्टी मेंबर्स, एलुमिनी जूनियर्स, माय डियर बैचमेट्स, माय सेल्फ कनुप्रिया फ्रॉम बी फाइनल ईयर। टुडे माय टॉपिक इज आइसोलेशन ऑफ प्लांट। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर स्लाइड चेंज करिए। हेलो, सो हेयर हेयर आर थ्री टर्म्स विच आई मेंशन फर्स्ट, दैट इज आइसोलेशन, सेपरेशन और एक्सट्रैक्शन। सबसे पहले मतलब सेपरेशन हमारा होता है कि कंपोनेंट के ग्रुप हो या कैटेगरी हो, उसको हमारा अलग करना, ये हमारा सेपरेशन होता है। अब आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन एक सेपरेशन की ही टेक्निक है, जिसमें हम एक केमिकल को दूसरे अदर केमिकल से सेपरेट कर सकते हैं। अब थर्ड टर्म आता है हमारा एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन हमारा जो टर्म है वो भी हमारा सेपरेशन से ही होता है। उसमें क्या होता है, मेडिकल पोर्शन ऑफ प्लांट या एनिमल टिश्यू को हम सेपरेट करते हैं इनएक्टिव और इनर्ट कंपोनेंट से। इसके बाद हमारा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता क्या है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, हम प्लांट और एनिमल टिश्यू को सॉल्वेंट से ट्रीट कराते हैं, जिससे क्या होता है हमारे मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, और जो हमारे इनर्ट मटेरियल्स रहते हैं वो अनडिसॉल्व हो जाते हैं। यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, उसे हम मेंस्ट्रम बोलते हैं, और जो इनर्ट मटेरियल, जो हमारा इनसॉल्युबल मटेरियल रह जाता है, उसको हम मार्क कहते हैं। ठीक है, अब जो इसकी प्रोसेस है वो फर्दर है। सबसे पहले मैसेरेशन। मैसेरेशन में क्या होता है, जो हम ड्रग पाउडर ड्रग लेते हैं उसको हम एक बंद कंटेनर में पैक कर देते हैं, और उसमें सॉल्वेंट डाल के 3 दिन के लिए रख देते हैं। उसमें बीच बीच में हम फ्रिक्वेंटली एजिटेशन कराते रहते हैं, इससे क्या होता है जो हमारा मैटर है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि हम उस मिक्सचर में जो मार्क बचाता है उसको हम प्रेस करते हैं, और प्रेस करके उसको फिल्ट्रेशन कर लेते हैं, या फिर हम उसको स्टैंड मतलब उसको डिकेंशन के थ्रू मतलब स्टैंड करके उसको पोर कर देते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन भी एक हमारे मैसेरेशन की टेक्निक है। बस इन दोनों में हमारा डिफरेंस ये है कि जैसे मैसेरेशन है वो हम 3 दिन के लिए रखते हैं, लेकिन जो इन्फ्यूजन है वो कुछ टाइम के लिए रखते हैं, और इसमें हम कोल्ड और बॉइल्ड वाटर का यूज करते हैं। बाकी जो फर्दर प्रोसेस है वो सेम रहती है। इसके बाद हमारी डाइजेशन टेक्निक है। डाइजेशन टेक्निक में हम जेंटल हीट का यूज करके हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा डिकॉक्शन। डिकॉक्शन अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो डिकॉक्शन हमारी ऐसी टेक्निक है जिसमें कहते हैं बनाना। नॉर्मली जैसे कि अब
कोरोना भी चल रहा है तो हम घर में ज्यादा से ज्यादा काढ़ा यूज कर रहे हैं इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो डिकॉक्शन हम हमारा उसी वर्ड के लिए यूज हुआ है, मतलब हमारा काढ़ा बनाना। तो इसमें क्या होता है, हम फ्रूट रख लेते हैं जिसको हम स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर वाटर से बॉइल करते हैं कुछ टाइम के लिए। अब इसमें ये प्रोसीजर हम उन्हीं ड्रग के लिए कर सकते हैं जो कि हमारी हीट स्टेबल हो और हमारी वाटर सॉल्युबल ड्रग जो होती है उन्हीं के लिए हम कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम 1:4 का मिक्सचर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारी 1:1 में हमारी ड्रग है तो 4:4 हमारा मतलब वाटर होगा, और इसको तब तक हम बॉईल करते हैं जब तक कि वो मतलब 1/4 पार्ट ना रह जाए। उसके बाद उसको फिल्टर कर लेते हैं और फर्दर प्रोसीड करते हैं। उसके बाद हमारी परकोलेशन प्रोसेस है। परकोलेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक बेड होता है क्रूड ड्रग का, उस पे हम सॉल्वेंट का फ्लो कराते हैं। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो हमारा ड्रग होती है उसको मेंस्ट्रम मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है उससे मतलब गीला करके उसको 4 घंटे के लिए रख देते हैं। ठीक है, अब उस जो वो जो हमारा परकोलेटर हो गया उसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद जब वो 4 घंटे के बाद हम उसमें मेंस्ट्रम ऐड करते रहते हैं जब तक कि मतलब उसको जो हमारा मास बना था उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है। ठीक है, उसको फिर हम 24 आवर के लिए रखते हैं। फिर क्या होता है, एक जो हमारा परकोलेटर एपरेटस है वहां से हमारा ड्रिप ड्रिप करके लिक्विड बाहर निकलता रहता है। फिर हम क्या करते हैं, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा बनना होता है वो हमारा 3/4 बनना चाहिए, तो हम और मेंस्ट्रम ऐड करते हैं जिससे हमारा पूरा 3/4 बन जाए। अब जो हमारा जो लिक्विड हमने निकाला था उसको मतलब फिर से उसके ऊपर डालते हैं, मतलब जो हमारा मास बना है उसके ऊपर फिर से डालेंगे ताकि वो अच्छे से मतलब फिल्ट्रेट हमारा मिल जाए हमें। फिर उसको हम फर्दर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। अब आगे मैंने इसका डायग्राम भी दिखा रखा है। ऊपर ये जो आउटलेट है यहाँ से हम मेंस्ट्रम डालते हैं, नीचे नीचे की साइड परकोलेटर परकोलेटर की प्लेट होती है जहाँ पे हम मास रखते हैं, और ऊपर उसके ऊपर हम सॉल्वेंट मतलब मेंस्ट्रम हम डालते हैं और ड्रिप ड्रिप करके निकालने के लिए नीचे ये हमारी टैप लगी होती है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है चॉकलेट। चॉकलेट मैं आपको आगे जो डायग्राम है उससे समझाती हूँ। जो चॉकलेट में हमारे तीन तीन मेनली वो होते हैं, मतलब एपरेटस होते हैं। नीचे सबसे पहले बॉइलिंग फ्लास्क होता है, बीच में हमारा थिम्बल होता है, और उस सबसे ऊपर हमारा कंडेंसर लगा होता है। तो जो हमारा बॉइलिंग फ्लास्क है उसको हम हीटिंग मेटल पे रखते हैं या फिर हम हॉट प्लेट पे रख सकते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, हम सॉल्वेंट को डालते हैं, और जो थिम्बल होता है थिम्बल में हमारा फिल्टर पेपर पे या फिर हम कॉटन पे वो मटेरियल मतलब फ्रूट रख रखते हैं जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। फिर अब हम नीचे से मतलब जो सॉल्वेंट एवोपरेट होगा तो यहाँ पे आप साइफन देखोगे। साइफन के थ्रू क्या होता है, हमारा जो पेपर्स हैं वो हमारे कंडेंसर पे जाएंगी जिससे क्या होता है वहां से डिप डिप करके वो थिम्बल में मतलब पेपर्स गिरती हैं, तो यहाँ से हमारा एक्सट्रैक्ट मिलता है। उसके आगे क्या है, एक्सट्रैक्शन यानी कि सोनिकेशन। इसमें क्या करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से 2000 किलो हर्ट्ज होनी चाहिए। ये क्या करता है, हमारा सेल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है और सेल वॉल में कैविटेशन कर देता है। ये हमारा रुगोल्फिया रुगोल्फिया रूट के एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है। इसके मतलब डिसएडवांटेज भी है, इससे क्या होता है कि हमारा जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारा मतलब खराब भी होने का है, और जिससे क्या होता है कि हमारे अनडिजायरेबल चेंज होते हैं ड्रग के मॉलिक्यूल्स में। उसके बाद है हमारी आइसोलेशन प्रोसेस है, मतलब ये तो मैंने एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस बताई। आइसोलेशन हम मतलब फोटो फार्मास्यूटिकल का करते हैं। इसमें हम आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन का करते हैं प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट के। अब इसके दो मेथड है, या तो हम फिजिकल मेथड के थ्रू कर सकते हैं या फिर हम केमिकल उसमें कर सकते हैं। फिजिकल में हम फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल लिपरेशन,
और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, ये सब यूज करते हैं। और केमिकल मेथड में क्या करते हैं, हम ग्रुप टू ग्रुप लेते हैं या फिर हम मोइटीज लेते हैं, और इसमें केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम आइसोलेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो टेक्निक है वो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है। ये क्या है, ये हम बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है प्यूरिफिकेशन करने के लिए। अब जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होती है वो डिपेंड होती है कि एक जो कंपाउंड है वो हमारा सुपर सैचुरेशन फेज में क्रिस्टल बन जाए और वो जो होता है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। ये हमारी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होती है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है वो सेपरेशन करता है वॉलेटाइल कंपोनेंट से, मतलब इसमें कंपोनेंट का सेपरेशन होगा वॉलेटाइल सब्सटेंस से। जैसे एग्जांपल है कि हम हाइड्रोकार्बन का सेपरेशन करते हैं ऑक्सीजनेटेड वॉलेटाइल ऑयल से, जैसे कि सिप्रल है हमारा, ठीक है। और इसके बाद है हमारा फ्रैक्शनल लिब्रेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो कंपाउंड होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सॉल्यूशन में जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो वाटर के उसमें कॉन्टेक्ट में आके फिर सॉल्ट फॉर्म कर आ जाता है, सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है वो हम सिंकोना एल्कलॉइड मॉर्फिन के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें जो सॉलिड स्टेट मटेरियल होता है वो मतलब लिक्विड स्टेट में चेंज ही नहीं होगा और डायरेक्ट वो गैसेस फॉर्म में हो जाता है। तो ये जो हमारी एक ट्रेडिशनल मेथड है हमारा कैम्फर को अलग करने के लिए, चिप्सो सिनामन कैम्फरा से। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हमारी सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन दोनों मिक्सचर को सेपरेशन है कि मोबाइल पे स्टेशनरी फेज से हम सेपरेशन करते हैं। फर्दर क्रोमेटोग्राफी की फर्दर मैकेनिज्म है जिसमें एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज। फर्दर टॉपिक विल कंटिन्यू बाय शान। शान थैंक यू कनुप्रिया सर। पीपीटी ऑन कर। Thank you, Kanupriya. Very good afternoon to all. Today, my topic is extraction, isolation, and structural elucidation of terpenoids. In this, I cover the part of the extraction of terpenoids, isolation of terpenoids, and structural elucidation of terpenoids. These are some contents which I cover in this slides. The first is definition of terpenoids. There are many different classes of naturally occurring compounds. Basically, terpenoids is what? Terpenoids is naturally occurring compound होते हैं, जो कि हमें plant और उनके part से पाए जाते हैं. और ये जो है हमें हमारे plants और flower की fragrance को जो fragrance है उनको बढ़ाते हैं. जैसे कि they occur widely in the leaf and fruit of higher plants of conifers, citrus, and eucalyptus. The term terpene was given to the compound isolated from terpentine, a volatile liquid isolated from pine tree. The simpler mono and sesquiterpenes are chief constituent of the essential oil obtained from the sap tissue of certain plants and trees. बेसिकली जो हमारे प्लांट्स और ट्रीज होते हैं उनके जो टिश्यूज और सैप हैं उनके उनमें से जो एसेंशियल्स ऑयल निकलते हैं उनको हम टर्पिनॉइड्स कहते हैं, जो कि बेसिकली दो पार्ट में बटे हुए हैं, मोनो एंड सेस्क्विटर्पिन्स में। ये इसके चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। The term terpene was originally employed to describe of mixture of isomeric hydrocarbon. जो कि टर्पिनॉइड जो है वो टर्पीन टर्म से निकला हुआ है। तो टर्पीन जो होता है बेसिकली वो मिक्सचर ऑफ आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन को डिस्क्राइब करता है
और इसका जो जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो C10H16 होता है, जो कि एसेंशियल जो कि प्लांट्स के एसेंशियल सॉइल में पाया जाता है. बट देयर इज अ टेंडेंसी टू यूज मोर जनरल टर्म टर्पिनॉइड्स विच इंक्लूड हाइड्रोकार्बन एंड देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव. जो टर्पीन होता है बेसिकली वो डिस्क्राइब करता है आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन को, लेकिन जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो दोनों जैसे कि हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स इन दोनों को इंक्लूड करके चलते हैं. तो इसी कारण से आजकल जो ऑथर्स हैं वो टर्पीन्स को टर्पिनॉइड्स बोलते हैं. तो जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है वो है टर्पिनॉइड्स आर द हाइड्रोकार्बन ऑफ प्लांट ऑरिजिन ऑफ जनरल फॉर्मूला C5H8O(N) as well as their oxygenated, hydrogenated and dehydrogenated derivatives. जो टर्पिनॉइड्स होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि हमें प्लांट ऑरिजिन से मिलते हैं, और उनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो C5H8O(N) होता है, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड, हाइड्रोजिनेटेड एंड डिहाइड्रोजिनेटेड तीनों डेरिवेटिव्स कंबाइन हो जाते हैं. अब आता है आइसोप्रीन रूल. ये जो आइसोप्रीन रूल है ये ऑटो वॉलेश ने दिया था. इसमें क्या होता है, इसके जरिए हम एक स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है ऑफ ऑल नेचुरली अकरिंग टर्पिनॉइड्स कैन बिल्ड अप आइसोप्रीन यूनिट. दिस इज कॉल्ड आइसोप्रीन रूल. बेसिकली आइसोप्रीन रूल क्या होता है, जो आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं उनको जोड़ के, यानी कि एक से ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स को जोड़ के जो है हम टर्पिनॉइड्स बनाते हैं, इसी को आइसोप्रीन रूल कहते हैं. Isoprene rule states that terpenoid molecules are constructed from two or more isoprene units. Isoprene rule जो है वो कहता है कि जो terpenoid molecule है वो एक और एक से ज्यादा isoprene units से बनकर हमको मिला है. स्पेशल आइसोप्रीन रूल. स्पेशल आइसोप्रीन रूल क्या होता है, इनबोल्ड ने सजेस्ट किया कि जो टर्पिनॉइड मॉलिक्यूल है वो एक और एक से ज्यादा आइसोप्रीन से मिलकर बना हुआ है. लेकिन एक से ज्यादा मिलकर बना है जो कि हेड और टेल के फैशन में मिला है. जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये इसका हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है. जब दो स्ट्रक्चर जैसे ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है, तो टेल के साथ हेड मिलेगा तब जाके ये एक टर्पिनॉइड का स्ट्रक्चर बनेगा. नेक्स्ट, जैसे कि आप और फर्दर एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें ओपन चेन मोनोटर्पिनॉइड्स हैं, जैसे माइसिन है. इसमें जैसे हमने माइसिन के स्ट्रक्चर को पर्टिकुलरली स्ट्रक्चरली हमने इसको कट कर दिया है, तो जो हेड है आप ये नीचे देख रहे हैं, ये हेड है, ये टेल है. इससे फिर टेल से हेड अटैच हुआ है और फिर ये सेकंड स्ट्रक्चर हमको मिला है. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये माइसिन का बना है. तो ऐसे ही आप सिट्राल और गैरेनियोल का भी देख सकते हैं. लेकिन इसका ये कोई फिक्स रूल नहीं है. ये जो स्पेशल आइसोप्रीन रूल है ये कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि जो जैसे कि कैरोटीनॉइड्स है वो जो है टेल टू टेल मिलता है, वो हेड टू टेल नहीं मिलता है, वो टेल टू टेल मिलता है. और जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स देखते हैं अब आप, उसमें क्या होता है, मोस्ट नेचुरल टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन हैव जनरल फॉर्मूला C5H8O(N). दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ N. N जो N होता है वो हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है जो कि स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर 10 है तो उसकी वैल्यू ऑफ N 2 है, तो हम उसको मोनोटर्पिनॉइड्स कहते हैं जो कि C10H16 होती हैं. जैसे कि 15 अगर कार्बन नंबर है, कार्बन एटम है, तो जो वैल्यू है N की वो 3 है, तो हम इसको सेस्क्विटर्पिनॉइड्स बोलते हैं जिसका C15H24 है. ऐसे फर्दर ऑन अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू N की वैल्यू बढ़ती जाएगी. जैसे कि डाई टर्पिनॉइड्स है, सेस टर्पिनॉइड्स है, ट्राई टर्पिनॉइड्स है, टेट्रा टर्पिनॉइड्स है और पॉली टर्पिनॉइड्स. अब देखिए क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ रिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो उसमें एसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक और ट्राईसाइक्लिक और टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होते हैं. जो एसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होता है वो ओपन स्ट्रक्चर होता है, और जो मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होता है उसके स्ट्रक्चर में एक रिंग होती है, यानी कि वन रिंग होती है. और जो बाईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में दो रिंग पाई जाती हैं, जबकि ट्राईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स के स्ट्रक्चर में तीन रिंग पाई जाती हैं और टेट्रासाइक्लिक टर्पिनॉइड के स्ट्रक्चर में चार रिंग पाई जाती हैं.
जैसे कि आप मोनोटर्पिनॉइड के एग्जांपल देखते हैं, जब ए साइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड के एग्जांपल है माइसिन, सेट्राल और गेरेनॉल, और मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स के एग्जांपल हैं हमारे अल्फा टर्पिनॉल और मेथेनॉल। अब थर्ड जो आता है हमारा आता है बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स। इसमें जो है बाईसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स थ्री अलग क्लास में बटा हुआ है, जैसे कि 6+3 मेंबर्ड रिंग, 6+4 मेंबर्ड रिंग, 6+5 मेंबर्ड रिंग। तो 6+3 मेंबर्ड रिंग के एग्जांपल हैं हमारे फ्यूजान और कैरेन, 6+4 मेंबर्ड रिंग के हमारे एग्जांपल है पाइनेन, और 6+5 का हमारे रिंग के जो एग्जांपल है वो है नॉन ब्रोमीन यानी कि आइसोकैम्फेन। और इसके अलावा हमारे जो सम बाईसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड्स होते हैं वो होता है कैम्फर और अल्फा पाइनेन। अब सेकेंड आता है हमारा सेस्क्विटर्पिनॉइड। सेस्क्विटर्पिनॉइड्स में ए साइक्लिक सेस्क्विटर्पिनॉइड, मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनॉइड्स और बाईसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनॉइड्स। जो ए साइक्लिक सेस्क्विटर्पिनॉइड्स होते हैं उसका एग्जांपल होता है हमारा फार्निसोल, जो हमारा मोनोसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनॉइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है जिंजिबेरेन, और जो हमारा थर्ड बाईसाइक्लिक सेस्क्विटर्पिनॉइड्स होते हैं उसका एग्जाम्पल होता है कैडेडिन। अब आता है फोर्थ हमारा डाइटर्पिनॉइड्स। डाइटर्पिनॉइड्स में आप देख रहे हैं ए साइक्लिक डाइटर्पिनॉइड्स होते हैं उसका एग्जांपल होता है हमारा फाइटोल, और मोनोसाइक्लिक डाइटर्पिनॉइड्स का एग्जांपल होता है हमारा विटामिन ए1 जिसको हम रेटिनॉल भी बोलते हैं। अब आते हैं हम आइसोलेशन ऑफ मोनो एंड सेस्क्विटर्पिनॉइड्स। अब अभी तक हमने इसका बताया कि टर्पिनॉइड्स क्या होते हैं, इसका हम टर्पिनॉइड्स के हमने क्लासिफिकेशन बताया, अब हम टर्पिनॉइड्स के आइसोलेशन के ऊपर आते हैं। तो इसके जो आइसोलेशन हम करते हैं वो बेसिकली हम दो पार्ट्स में करते हैं, जो कि बोथ मोनो एंड सेस्क्विटर्पिनॉइड हैव कॉमन सोर्स दैट मीन एसेंशियल ऑयल। देयर आइसोलेशन कैरिड आउट इन टू स्टेप। जो हमारा पहला स्टेप होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट पार्ट, और सेकेंड हमारा स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स फ्रॉम एसेंशियल ऑयल। सबसे पहले तो हम आइसोलेशन करके एसेंशियल ऑयल प्लांट पार्ट से एसेंशियल ऑयल निकाल लेते हैं, और फिर जो एसेंशियल ऑयल है उसमें से हम टर्पिनॉइड्स को सेपरेट कर देते हैं। जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा आइसोलेशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फ्रॉम प्लांट पार्ट, उसमें हम क्या करते हैं, इसके बेसिकली फोर बेसिक मेथड्स होते हैं। पहला होता है एक्सप्रेशन मेथड, सेकेंड होता है हमारा स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, थर्ड होता है हमारा एक्सट्रैक्शन बाय मीन ऑफ वॉलेटाइल सॉल्वेंट, और फोर्थ होता है हमारा एड्सॉर्प्शन इन प्यूरिफाइड फैट। लेकिन बेसिकली जो स्टीम डिस्टिलेशन मेथड होता है वो हम मोस्ट वाइडली यूज करते हैं, और इस पीपीटी में भी मैंने स्टीम डिस्टिलेशन को मतलब समझाया है कि कैसे होता है। सबसे पहले अगर आप देखें कि स्टीम डिस्टिलेशन में जो प्लांट पार्ट होता है, नेक्स्ट, हाँ, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक हमने कंटेनर में प्लांट मटेरियल हमने यहाँ पर रख दिया, और नीचे से हम जो है स्टीम को सप्लाई कर रहे हैं। अब इसमें जब हमने स्टीम को सप्लाई करा तो इसको प्लांट पार्ट में से जो वेपराइज्ड वाटर और एसेंशियल ऑयल निकलने लगे, उसकी वेपर निकलने लगी, और वो जो है इस कंडेंसर के थ्रू जो है वो कोल्ड वाटर के थ्रू होते हुए हमारे सेपरेटर में गई, और वाटर और एसेंशियल ऑयल जब हमारे सेपरेटर में गया तो यहाँ पर एसेंशियल ऑयल अलग हो गया और वाटर जो है वो अलग हो गया, और हमको एसेंशियल ऑयल जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया। नेक्स्ट, अब सेकंड स्टेप हमारा एसेंशियल ऑयल तो हमारा निकल गया है, अब हमें उसमें से टर्पिनॉइड को कैसे निकालना है वो जो है बेसिकली हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से करते हैं। ए नंबर ऑफ टर्पिनॉइड आर प्रेजेंट इन एसेंशियल ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन के थ्रू जो है हम बेसिकली जो एसेंशियल ऑयल है उसमें से टर्पिनॉइड्स को निकालते हैं। डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल मेथड कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड। ज्यादातर हम फिजिकल और केमिकल मेथड यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स के लिए। जो हमारा बेसिक और इम्पॉर्टेंट मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है और जो मोस्ट अवेयर मेथड है वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। The terpenoid hydrocarbon distilled over first followed by oxygenated derivative. जो terpenoid hydrocarbon होते हैं वो distillation के through निकलते हैं, पहले oxygenated derivative निकलते हैं फिर other further terpenoids निकलते हैं। More recently different chromatographic techniques have been used both for isolation and separation techniques terpenoids. अब जो
रिसेंटली जो है कई जो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो है वो आई हैं, जो कि हमारा आइसोलेशन और सेपरेशन ऑफ टर्बिनॉइड्स के लिए इन्वेंट हुई हैं। नेक्स्ट, अब आती है हमारी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्बिनॉइड्स। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ टर्बिनॉइड, जो मोस्ट ऑफ द टर्बिनॉइड जो होते हैं वो बेसिकली कलरलेस होते हैं। इनका जो प्रेग्नेंट लिक्विड होता है वो लाइटर होता है वाटर से भी, और जो वॉलेटाइल होता है वो स्टीम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक्सेप्शन भी है, जैसे कि इसमें सॉलिड भी होता है, वो होता है हमारा कैम्फर। ये जो होते हैं, जो टर्बिनॉइड्स होते हैं बेसिकली, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो वाटर में ये ज्यादातर इनसॉल्युबल रहते हैं। ये ज्यादातर जो होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ये जो है ओपन चेन और साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड। इसके अंदर मतलब जो ओपन चेन होती है और साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, इनमें एक और एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। दे अंडरगो पॉलीमराइजेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन, दे आर इजिली ऑक्सीडाइज नियरली बाई ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन मोस्ट ऑफ द टर्बिनॉइड यील्ड एसोप्रीन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें हम जो है, अब हमारा आइसोलेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन हो गया, और अब हम आते हैं जनरल मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन। उसका फर्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो टर्बिनॉइड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेसिकली, वो हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस और मॉलिक्यूलर वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से निकाल लेते हैं बाय मीन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। If terpenoids is optically active, its specific rotation can be measured. अगर जो terpenoids हैं वो optically अगर active हैं तो हम उसकी rotation को भी measured कर पाते हैं। अब आते हैं nature of oxygen atom present. If oxygen is present in terpenoids, its functional nature is generally as alcohol, aldehyde, ketone or carboxylic group. अब देखते हैं इसमें presence of oxygen atom. इसमें क्या होता है, जो OH ग्रुप है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं जब एसीटेट से एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा और बेंजोइट से हमारा 3,5 डाइनाइट्रोल बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। ये हो गया हमारा। अब प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो एस्टेरिफिकेशन में चला जाता है और रेडियली देन सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में चला जाता है, जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, अब हमारा थर्ड आता है अनसैचुरेशन। द प्रेजेंस ऑफ ओलिफेनिक डबल बॉन्ड इज कंफर्म बाय मीन ऑफ ब्रोमीन। जो हमारा ओलिफेनिक बॉन्ड की प्रेजेंस है वो ब्रोमीन के मतलब उससे पता चलती है। एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड डिटरमिनेशन बाय एनालिसिस ऑफ ब्रोमाइड। और जो हमारे डबल बॉन्ड का नंबर है वो हम ब्रोमाइड के एनालिसिस जब हम उसका करते हैं तो पता चलती है, और या फिर हम क्वांटिटेटिव हाइड्रोजिनेशन जब हम करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू तब पता चल जाती है। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड ऑल्सो कन्फर्म बाय मीन ऑफ कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन और एडिशन ऑफ हैलोजन ऑफ एसिड। जब जो डबल बॉन्ड की जो प्रेजेंस है वो हमें कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन से या फिर हाइड्रोजन ऑफ एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड से भी पता चल जाती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ एच एक्स एब्जॉर्ब बाय वन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट। अब हमारा फोर्थ आता है डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन जो है वो हमें कार्बोनिन की स्केलेटन देता है, जैसे कि ऑन डिहाइड्रोजिनेशन विद सल्फर, सेलेनियम, पोलेनियम और पैलेडियम, ये जो टर्पिनॉइड्स को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि जो अल्फा टर्पिनॉल है वो सेलेनियम की प्रेजेंस में जब उसका डिहाइड्रोजिनेशन हम करा रहे हैं तो वो पी साइमीन यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। नेक्स्ट, ये जो है हमको जब हमने कन्वर्ट करा और एरोमेटिक कंपाउंड मिला तो उससे हमें ये कार्बन इसका स्केलेटन पता चला, ये जो बना हुआ है आप देख रहे हैं। जो फिफ्थ होता है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन हैज बीन पैरेलल टूल फॉर इलुसिडेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टर्पिनॉइड। यानी कि ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो होता है हमारा इलुसिडेशन का एक अल्टरनेटिव मेथड है। रिएजेंट फॉर डिग्रेडेटिव
ऑक्सीडेशन आर ओजोन एसिड, न्यूट्रल और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, क्रोमिक एसिड, सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, लेड टेट्रा एसिटेट एंड परोक्सी एसिड्स। अब देखिए नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट। अब हम इसमें क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला हम इसमें पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने सैचुरेटेड पेरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसकी नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट मॉलिक्यूल के अंदर कितनी है, हम ये पता कर सकते हैं। जैसे कि जब जनरल फॉर्मूला ऑफ पेरेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारा CnH2n+2 है तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैसा होगा, एसाइक्लिक होगा। जब हमारा CnH2n है तो कैसा होगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, मोनोसाइक्लिक होगा। और CnH2n-2 है तो कैसा होगा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, बाईसाइक्लिक होगा। और CnH2n-4 है तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ट्राईसाइक्लिक होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो लेमोनिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो C10H16 है। मान लीजिए उसने 2 मोल एब्जॉर्ब करे हाइड्रोजन के तो ये बन गया हमारा टेट्रा हाइड्रो लेमोनिन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ C10H20। तो जब हम इसको देखते हैं C10H16 से ये C10H20 बना 2 मोल लेके तो ये जनरल फॉर्मूला में बैठ रहा है फिर CnH2n। यानी कि अगर CnH2n इसका जनरल फॉर्मूला होता है तो हम इसमें जब जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं तो वो होता है मोनोसाइक्लिक का, तो इसका यानी कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट अब लास्ट हमारे जो जनरल इलिसिटेशन होता है वो होते हैं स्टेप्टोस्कोपिक स्टडीज। जैसा कि बहुत सारी स्टेप्टोस्कोपिक स्टडीज मेथड्स होते हैं जो कि हमारे हेल्पफुल होते हैं स्ट्रक्चर को पता करने के लिए, जैसे कि हम नेचुरल टर्पिनॉइड्स या उसके डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम इन मेथड्स के थ्रू जो है पता कर सकते हैं। जो डिफरेंट मेथड है हमारे वो हैं जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे एनालिसिस। जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इसका जो वेवलेंथ है लैम्डा है वो पता करके हम इसका स्ट्रक्चर जो है नेचुरल टर्पिनॉइड्स का वो पता कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी। तो थैंक यू सो मच। Thank you, Ishan and Kanupriya. Now I am inviting our alumni, Shashwat Khare sir. So please say a few words for our students who presented a webinar. Shashwat, please, sir. Good afternoon to all the dignitaries of Dr. K. N. Modi Foundation. First of all, I want to thank all the teachers who have invited me to be the part of such presentation. Secondly, when I was looking into the presentation, both Kanupriya and Ishan has performed very well. They have explained the presentation very well. But the one thing which I noticed was that they were jumping from English to Hindi. Means that at some times they were explaining the things in English, then they are jumping to Hindi, then again jumping to English. Which is not good, which is not giving a great experience. It will not give a good experience to the viewers. Secondly, the thing which I noticed was the presentation which Ishan presentation was very big. I was getting bored while hearing it because there is a lot of things which everywhere does not like to hear. As we have studied earlier also that the visual basics give more good concepts than the written the theory part. If they have used any clip arts or any videos, small small videos to explain the things, especially when Kanupriya was explaining the extraction procedures, if they have used the small small videos to show it, I think that will be a good thing. So that each and everyone could understand in a better way. Rest, each and everything was good. Both of them have explained very well. That's all from my side. Thank you. Thank you, Shashwat. Sir, please say word of thanks for our... Good afternoon to all the participants of the webinar.
I am especially thankful to Mr. Shashwat, who has spared some time out of his busy schedule to guide our students. His expert comments are very valuable and precious for us, and I think all the students will notice what he has pointed out. At the same time, the topic was very important from the examination point of view. These are the various methods for the isolation of plant constituents and chemistry of natural product, which is your subject. This topic is the backbone of this subject. So kindly pay due attention on this particular topic if you want to clear your exams with flying colors. Thank you very much to all the participants. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.